Hey everyone, welcome to Bellagiates. आप में से जो भी बच्चा सच में नीट 2023 क्रैक करना चाहता है, मुझे पूरी उम्मीद है उसने खुद को एक ना एक बार वो नीट 2023 की काउंसलिंग अटेंड करते हुए या फिर साल 2023 खत्म होने से पहले खुद के हाथ में वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का सीट अलॉटमेंट लेटर पकड़े हुए इमेजिन कर ही लिया होगा। जब आपने खुद को इस सिचुएशन में इमेजिन किया होगा, खूब पॉजिटिविटी आई होगी ना, खूब एनर्जी से भरा हुआ खुद को पाया होगा। आई होप उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप लोग पढ़ रहे होंगे मेरे बच्चों। जिन बच्चों ने नवंबर एंड दिसंबर या फिर जनवरी मंथ से सीरियस होते हुए नीट 2023 की प्रिपरेशन करनी शुरू करी है, उन बच्चों और मुझ में आजकल एक चीज कॉमन चल रही है। वो ये कि मैंने कुछ महीने पहले बच्चों आप लोगों के लिए ना अपने YouTube चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट करी थी नीट बायोलॉजी सुपर शॉर्ट सीरीज नाम से। मैंने ये सोचा हुआ था कि वहां पर मैं क्या करूंगी, आप लोगों के क्लास 11 12 बायोलॉजी में हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक से जो भी मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगेंगे, जहां से मुझे लगता है कि नीट में क्वेश्चन बिल्कुल बनकर ही आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस के बेसिस पर, उन सभी पॉइंट्स का क्विक रिविजन करवाते हुए मैं आप लोगों के लिए 50-60 सेकेंड्स की शॉर्ट वीडियोस अपलोड करूंगी। पर उस टाइम पर मुझे लगा कि शायद इन वीडियोस पे ज्यादा अच्छा रिस्पांस ना आए, क्योंकि 50-60 सेकंड्स की वीडियो है, शायद बच्चे को पसंद आए ना आए, तो शुरुआत में मैंने सिर्फ एक दो वीडियोस ही अपलोड करी। जिस तरीके से वो सभी बच्चे जो कि नीट की प्रिपरेशन अभी हाल ही में करना शुरू कर रहे हैं, उनके मन में जिस तरीके के सेल्फ डाउट्स आते हैं कि क्या मेरा नीट क्रैक होगा या फिर नहीं होगा, उसी तरीके के सेल्फ डाउट्स मेरे मन में भी आ रहे थे कि क्या मेरी ये नीट बायोलॉजी सुपर शॉर्ट सीरीज बच्चों के काम आएगी या फिर नहीं आएगी। क्योंकि बच्चों, मेरे चैनल पर मैं जो भी वीडियो अपलोड कर रही हूँ उसका डायरेक्ट रिलेशन आपसे ही है। मैं तभी ग्रो करूंगी जब मुझे लगेगा कि मेरे चैनल पर अपलोड हो रहा कंटेंट तुम्हारी ग्रोथ में मदद कर रहा है। तो शुरुआत में मुझे बहुत सेल्फ डाउट आए कि मैं वीडियो अपलोड तो करूंगी लेकिन बच्चों ने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो कहीं ऐसा ना हो मेरे शॉर्ट्स देखते हुए उनका भी टाइम वेस्ट हो जाए और फिर मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा हो कि मैं मेहनत तो कर रही हूँ लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। लेकिन मैंने एक और चीज नोटिस करी, एक दो महीने से मैं भी मोबाइल फोन एडिक्शन का शिकार हो गई थी। यूट्यूब ओपन करती थी एक दो शॉर्ट्स वीडियोस देखने के लिए, थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए या फिर थोड़ा मोटिवेट होने के लिए मोटिवेशनल शॉर्ट्स देख लिए, लेकिन वो एक दो शॉर्ट्स चेक करने के चक्कर में कब 10-15 शॉर्ट्स हो जाते थे और एक डेढ़ घंटा में बस मोबाइल फोन स्क्रीन ही स्क्रॉल करती रह जाती थी। मुझे पता ही नहीं चलता था कि टाइम वेस्ट हो गया। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि भैया, जो मैंने वो नीट बायोलॉजी सुपर शॉर्ट सीरीज स्टार्ट करी है ना, वो भी तो शॉर्ट्स की फॉर्म में ही है, तो बच्चे को अगर यूट्यूब पर शॉर्ट्स देखने ही आना है तो क्यों ना वो मेरे बायोलॉजी के सुपर शॉर्ट्स देखे। अगर उसे शॉर्ट्स देखने का इतना ही मन है तो क्यों ना ऐसे शॉर्ट्स देखे जो कि उसकी नीट बायोलॉजी की प्रिपरेशन में मदद करे। तो इसीलिए अब मैंने वो सुपर शॉर्ट सीरीज वाली जो वीडियोज है उनकी फ्रीक्वेंसी अपने चैनल पर इंक्रीज कर दी है। तो आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी, बस बता देती हूँ कि इस चैनल पर मैं क्या मेजर अनाउंसमेंट कर रही हूँ फॉर ऑल नीट 2023 और ना सिर्फ 2023, आने वाले सभी नीट एस्पिरेंट्स के लिए। बच्चों, आप लोग जब भी अब से YouTube पर शॉर्ट्स चेक करने आओगे तो मैं चाहती हूं कि आप लोग ऐसे अननेसेसरी शॉर्ट्स ना चेक करो जो कि आपके नीट के प्रिपरेशन में बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है, बल्कि आप लोग मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट से नीट बायोलॉजी सुपर शॉर्ट्स नाम से जो ये प्लेलिस्ट है, इसमें मौजूद 50-60 सेकंड्स के जो ये शॉर्ट्स है इन्हें चेक करो, क्योंकि ये आपकी नीट की प्रिपरेशन में काफी ज्यादा मददगार होने वाले हैं। आप एक बार इन शॉर्ट वीडियोस को चेक करिएगा, आप देखिएगा एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर से हर एक टॉपिक से मैं आप लोगों के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको 50-60 सेकंड्स के शॉर्ट वीडियोस की फॉर्म में अपलोड कर रही हूं जो कि आपके क्विक रिविजन में मदद करेंगी। ये शॉर्ट्स आप कब ओपन कर सकते हैं, जब आपका फ्री टाइम है और आप YouTube पर आते हो तो आप फटाफट से शॉर्ट्स चेक कर लो, आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। मुझे पता है जब आपका नीट का पेपर होगा ना 7 मई से, एक हफ्ते पहले बच्चा एकदम सैचुरेशन पॉइंट पर आ जाता है कि अब मुझसे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा जा रहा, उस टाइम तुम क्या करो YouTube के शॉर्ट्स चेक करते रह जाओ। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि एंटरटेनमेंट के लिए ओपन किया हुआ है YouTube कब तुम्हारे लिए स्ट्रांगेस्ट रिसोर्स बन जाएगा रिवीजन करने के लिए। दूसरी अनाउंसमेंट, अगर आप नीट के पिछले 4-5 साल से बायोलॉजी सेक्शन का पेपर चेक करो तो आप लोग देखोगे कि हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही बनकर आया है। तो मैंने आप लोगों के लिए एक और सीरीज स्टार्ट करी है एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन से। मुझे हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक से जो जो एनसीईआरटी की मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लगेगी मैं उसको 50-60 सेकंड्स के शॉर्ट्स की फॉर्म में अपलोड करूंगी आप लोगों के लिए, जिसको आप क्विक रिवीजन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मुझे यही अनाउंसमेंट करनी थी बच्चों कि मेरे यूट्यूब चैनल पर ये दो न्यू प्लेलिस्ट अपलोड हो गई है, नीट बायोलॉजी सुपर शॉर्ट सीरीज नाम से और दूसरा एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन से। एक बार प्लीज इस सीरीज की जितना भी हो सके आपसे वीडियोस प्ले करके देखिए। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि दी ये वीडियो सच में हेल्पफुल है, इन वीडियोस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, क्योंकि जब आप लोग रिस्पॉन्स देंगे तभी मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ मुझे तुम्हारे लिए काम करना है। ठीक है, तो एक बार प्लीज इन वीडियोस को चेक करो, तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम्हारे क्विक रिविजन में मददगार रहेगी तो मुझे बताओ। मैं कोशिश करूंगी कि एक दिन में सिर्फ एक वीडियो नहीं, दो दो तीन तीन
3 वीडियोस मैं तुम्हारे लिए अपलोड करूं, 50-50 सेकंड्स की है, 3 मिनट लगेंगे, 3 वीडियोस कब खत्म हो जाएंगे तुम्हें पता नहीं चलेगा। और मैं चाहती हूं कि 7 मई तक अगर तुम्हारा भले ही मैं पूरा सिलेबस इस प्लेलिस्ट में कवर ना भी करा सकूं, कम से कम 70-80% सिलेबस तो हो जाए। अगर पूरा सिलेबस इस साल के एस्पिरेंट्स के ना भी हो पाए, कम से कम आने वाले नीट एस्पिरेंट्स का तो फायदा हो। देखो नीट क्रैक 680+ 700+ से होगा नहीं होगा ये मेरे कंट्रोल में नहीं, ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं। हमारे कंट्रोल में यह है कि हमें हर दिन 110% देते हुए मेहनत करनी है। मुझे नहीं पता ये सुपर शॉर्ट्स की वीडियोस आपका नीट बायोलॉजी का पूरा सिलेबस मैं 7 मई के अंदर अंदर कंप्लीट करवा पाऊंगी या फिर नहीं, लेकिन मुझे इतनी उम्मीद है कि मैं हर दिन अपना 110% देने के लिए तैयार हूं। तो जिस तरीके से मैंने अपना सेल्फ डाउट और अपना डर हटाते हुए आप लोगों के लिए नई प्लेलिस्ट इंट्रोड्यूस करवाई है नीट से ठीक 3.5 महीने पहले, उसी तरीके से अगर आप नीट से ठीक 3.5 महीने पहले सीरियस होना शुरू हुए हैं, ये डर और ये सेल्फ डाउट हटा दीजिए कि नीट क्रैक होगा या नहीं होगा, और बस इस चीज पर फोकस करिए कि मुझे हर दिन 110% प्रोडक्टिव बनाना है, ताकि रिग्रेट ना रहे कि यार नीट से पहले थोड़ा तो पढ़ लेता, क्या पता मेडिकल सीट निकल जाती। इसीलिए मुझे भी उम्मीद है कि हो सकता है कि सारे चैप्टर्स में इंक्लूड ना कर पाऊं तुम्हारा 7th May 2023 से पहले, लेकिन क्या पता मेरी बायोलॉजी सुपर शॉर्ट की किसी ना किसी शॉर्ट वीडियो से नीट 2023 में कोई क्वेश्चन बनकर आ जाए और वो एक क्वेश्चन मेरे बच्चे को 4 मार्क देके चला जाए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही मेरे बच्चों, ये सुपर शॉर्ट सीरीज और एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज की वीडियो चेक करिए, सही लग रही है तो प्लीज मुझे फीडबैक के तौर पर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में रिस्पांस देते हुए जरूर जाइएगा, ताकि मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊं इन वीडियोस की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।